मुझे एक बात बताएं, आपने अक्सर ये इस बात को आपने जिक्र किया और आपने बड़े ओपनली ये बात की है कि there is no problem in actors from Pakistan going and working elsewhere. The only thing is कि यार इक्वालिटी पे काम होना चाहिए. And as far as working with India is concerned, उनकी फिल्में अगर यहाँ लग रही हैं तो हमारी फिल्में वहाँ पे लगनी चाहिए. देखिए बिल्कुल ऐसे ही, that's a very valid point that I'm saying, you are putting in. मेरा सिर्फ कुछ थोड़ा सा नजरियाती इख्तलाफ है, सिर्फ मेरा. मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आपको वहाँ नहीं काम करना चाहिए. आप काम करें, आपको जो रास्ता मिलता है, बिकॉज पाकिस्तान में तो सिवाय टेलीविजन चैनल्स की और आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. आई एम विद यू दैट यू वॉन्ट टू गो टू इंडिया एंड मार्क योर सेल्फ देयर, बट डू नॉट मेक माई वर्ड्स एन एग्जाम्पल फॉर योर सेल्फ. क्योंकि मेरा रिश्ता और है, मेरे वालिद ने ये अमन फिल्म बनाई थी, बिल्कुल कश्मीर. वो कश्मीर के ऊपर बेस करती है. आर्टिकल 347 और 247. आप ट्वीट्स भी बहुत करते हैं. या बिकॉज इट्स सैड दैट, और आजकल जो एथनिक क्लिंजिंग इंडिया में हो रही है ऑन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स आपके सामने है, क्योंकि इंडिया के इलेक्शंस में पाकिस्तान और मजहब बहुत बड़ा कार्ड है जो वो प्ले करते हैं. सो मुझे लगा कि मेरी अपनी वैल्यूज हैं जिसपे मैं कहता हूँ कि भाई नहीं, आई थिंक आपने काम करना है या मुझे काम करना है, ठीक है, लेट्स गो आउट. हम कहीं फिल्म बनाते हैं और 50% इधर पाकिस्तान में लगे और 50% वहाँ पे लगे, यू नो, दाना पौना बैठे हुए. सो मुझे लोग ये समझते हैं कि जब मैं कोई बात करता हूँ तो मैं उनको समझा रहा होता हूँ. यकीन करें, इनको समझाने के लिए गूगल काफ़ी है, मेरा कोई काम नहीं है. मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा है कि अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए नेटफ्लिक्स के दरवाजे खुल रहे हैं. रिसेंटली वी सॉ हुमायूं, ही गॉट ऑफर्ड अ कैरेक्टर इन द क्राउन, उन्होंने किया. आहद रजा मीर ने काम किया रेजिडेंट ईवल में. देन महविश हयात एंड फवाद खान, आई थिंक दैट्स ग्रेट, आई थिंक दैट्स लवली. सो उसको आप किस नजरिए में देखते हैं? इंडिया में तो एक चले, मैं आपका आई थिंक दे आर क्रॉसिंग द बाउंड्रीज, दे आर क्रिएटिंग अनदर मार्केट फॉर पाकिस्तान. आई थिंक इट्स लवली और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग और वी आर रियली प्राउड ऑफ देम. बट मैं सिर्फ इतना ये जरूर कहूँगा कि इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू क्रॉस, but when you think about so many people like this talent right now, Hadia, I feel so happy for her that she's, Allah ne usko ek talent diya hai, but insaan kitne platform deta hai inko Pakistan mein, wo mujhe itna, I'm not sure, so sure. So it's sad. Pehle main abhi baat yahi kar raha tha ki jab main koi naya talent dekhta tha Pakistan mein, mujhe bahut khushi hoti thi, lekin ab main naya talent dekhta hu, mujhe bahut dukh hota hai thoda sa ke zaya hi ho jana. Ye 5-6 corporations aayengi, 3-4 shows aayenge, बहुत भी हुआ तो एक दो ऐड आ जाएंगे. एंड देन देयर इज नो सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म वेयर दीस किड्स कैन अर्न अ लिविंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग दैट, यू नो, यूनिवर्स विद इन अ यूनिवर्स. सो आई थिंक गिविंग द अपॉर्चुनिटी एंड हर चीज जो है वो सियासत नहीं होती है. अवाम को अगर आप सियासत के साथ लगाना चाहते हैं तो टीवी चैनल्स पे सियासत बढ़ा दें, तो अवाम सियासत पे कौन हो जाएगी. सो आई पर्सनली फील कि इनको एंटरटेनमेंट की तरह रखना चाहिए. लाइक US, आपने वियतनाम को जाके तबाह करना है आप करें, बट योर पीपल शुड सपोर्ट यू एंड गिव देम अ ककून, गिव देम स्टोरीज, एंटरटेनमेंट, गिव देम अचीवेबल ड्रीम्स जो वो हासिल कर सकें जिंदगी में. प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें ताकि उनका ताल्लुक ख़त्म हो जाए आपकी सियासत से, आपके फैसलों से. हम उनको धकेलते हैं सियासत की तरफ और फिर कहते हैं ये सियासत में बोलते क्यों हैं. सो एंटरटेनमेंट नीड्स टू क्रिएट अ वेरी वेरी बिग प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान ताकि हर इंसान का जहन गैर सियासी हो और फन की तरफ आए, एंटरटेनमेंट की तरफ आए.